जैसे हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और लगातार अपने पक्के मोर्चों पे भी डटे हुए हैं, तो मैं कहना चाहती हूँ कि अब और भी ज्यादा भारी से भारी मात्रा में परिवारों के परिवार, जैसे शादी के कार्ड पे लिखते हैं सह परिवार, कृपया करके आप लोग वहाँ और पहुंचिए। और जो ये बीमारी के आड़ लेके जो सरकार ये कह रही है कि बीमारी आ गई है, किसानों ने फैला दिया, आज सुबह भी आया सीएम का अपने खट्टर वाले का, तो मैं ये कहना चाहती हूँ ये कोरोना तो पता नहीं, इससे तो हम लोग बचे हैं मरे हैं जो भी है, ये बीमारी जो बता रहे हैं, लेकिन जो ये तीन काले कानून, ये जो किसान भाइयों के ऊपर, मातृशक्ति के ऊपर, हमारी किसानी के ऊपर थोपे जा रहे हैं, ये हमारे लिए वो फांसी का फंदा है, वो जोड़ा बांट दिया इन्होंने, उससे तो हम बिल्कुल बच ही नहीं सकते। इस कोरोना की आड़ में हमारे जो मजदूर भाई हैं, हमारे जो किसान भाई हैं, और भी जो रोजगार है, जो नौकरियां करते हैं, वो सारा इन्होंने खत्म करते जा रहे हैं, लेकिन जो पूंजीपति हैं, उनकी डेली इनकम बढ़ती जा रही है, उनमें पूंजीपति भी बढ़ते जा रहे हैं। एक हॉरंस रिपोर्ट आती है, उसके अंदर और भी 55 परिवार जुड़ गए हैं, जो और भी पूंजीपति बढ़ते जा रहे हैं। तो ये जो कोरोना की आड़ में लेके हमारे आंदोलन को खत्म करना चाहते हैं, इन सरकारों से कहना चाहती हूँ मैं कि हमारा आंदोलन जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक किसान है, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। और मैं बहुत ही सीमित शब्दों में आपसे विनती करना चाहती हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि सह परिवार कृपया वहां पे और ज्यादा धरने को मजबूती दे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और भाई ने भी बड़ा अच्छे से स्वागत करा, जो याद रहेगा इस मोर्चे के ऊपर। अच्छा, दूसरी बात है, हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में दो कौम है जो कमेरी है, एक किसान एक मजदूर। किसान पूरे संसार का पेट भरता है और मजदूर जो है वो है निर्माता। लेकिन इस तानाशाही सरकार जो है, ये जो तानाशाही सरकार है, इन दोनों वर्गों के पीछे हाथ धो के पड़ गई है। आप देख रहे हो पीछे इलेक्शन के अंदर इन्होंने जवानों को मरवाया, पुलवामा भी आपको याद होगा, उधर लद्दाख भी आपको याद होगा, और किसान की हालत तो क्या कर रखी है वो तो आपने देखा ही है, यार रोडों पे भी डाल रखा है 5 महीने से। मैं पीछे सुन रहा था, 1 महीने पहले सीएम खट्टर ने एक बयान दिया कि ये जो किसान जो है, जो बॉर्डरों के ऊपर बैठे हुए हैं, टोलों के ऊपर बैठे हुए हैं, कि मानवता के आधार पे आंदोलन को खत्म करें ताकि ये तथाकथित बीमारी ना फैले। मैं सीएम खट्टर को ये कहना चाहता हूँ, ये याद दिलाना चाहता हूँ, ये जो मानवता का ढोंग आप किसान को बता रहे हो, ये थोड़ा सा आप भी दिखा दो। किसान के जो एलोकंत्रिक तरीके से जो ये तीनों काले कानून थोपे हैं मानवता के आधार पे, इनको आप वापिस ले लो, इनको मानवता के आधार पे MSP दे दो। और सबसे बड़ी बात, 450 से ज्यादा किसान शहीद हो गए हैं, मानवता के आधार पर मुख्यमंत्री जी उनको श्रद्धांजलि दे दो, प्रधानमंत्री जी उनको श्रद्धांजलि दे दो, अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी मानवता बची है। टाइम थोड़ा है, मैं अपनी बात को क्लोज करना चाहूंगा, दो नारे लगा देते हैं, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, हरियाणा पंजाब भाईचारा जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। हाँ, एक चीज और थोड़ी सी ऐड करना चाहूंगा, अभी पिछले टोल पे, खटखट टोल पे एक इन जैसा क्रांतिकारी भाई था, उन्होंने एक नारी शक्ति को, हमारी माता बहनों को नया नारा दिया, उन्होंने नया नारा दिया, दुर्गा शक्ति जिंदाबाद। धन्यवाद आप सहीब का।